हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो रे आमे युक्त दुई द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान रो गणतंत्र विषय रु केते गुड़िए दुई नंबर विशिष्ट प्रश्न देखिबा। समस्त को गोटे रिक्वेस्ट से माने वीडियो टिकु मूल रु शेष जाय देखिबे, ताले प्रत्येक प्रश्न रो भलो भाबरे अर्थ को बुझि पारिबे एवं भविष्यतरे अधिक मार्क्स निहाती रखिबे। तेणु पाठ को भल भाव देखिबे, लक्ष्य करिबे भल भाव। ओके, ताले आजर वीडियो को आरंभ करिबा। एक नंबर प्रश्न, गणतंत्र कौन? गणतंत्र कौन? गणतंत्र होउछि एक सरकार जेउठारे जनसाधारण सार्वभौम शासक भावे परिगणित होइतांति। गणतंत्र होउछि एक सरकार जेउठारे जनसाधारण सार्वभौम शासक भावे परिगणित होइतांति। सार्वभौम बा सर्वश्रेष्ठ बा सर्वशक्तिमान शासक भावे परिगणित होइतांति। अब्राहम लिंकन क मतरे गणतंत्र हेउछि लोकमानंकर लोकमानंक द्वारा ओ लोकमानंक पय उद्दिष्ट सरकार। अब्राहम लिंकन क मतरे गणतंत्र हेउछि लोकमानंकर लोकमानंक द्वारा और लोकमानंक पय उद्दिष्ट सरकार। दुई नंबर प्रश्न रे प्रत्येक प्रश्न उत्तर दुई किंबा तीनोटी वाक्य रे लिखवा को पड़िबो। ओके, ताले एही प्रश्न रे आमे दुईटी लाइन लिखिले। बर्तन देखिबा दुई नंबर प्रश्न, प्रत्यक्ष गणतंत्र कौन? प्रत्यक्ष गणतंत्र कौन? जेऊ गणतांत्रिक व्यवस्था रे नागरिक माने सीधा सड़क भावे शासन परिचालना ओ आईन प्रणयन क्षेत्र रे शामिल होइथांती। जेऊ गणतांत्रिक व्यवस्था रे नागरिक माने सीधा सड़क भावे शासन परिचालना ओ आईन प्रणयन क्षेत्र रे शामिल होइथांती ताहाकु प्रत्यक्ष गणतंत्र कुहा जाय। गणभट गणोद्योग ओ प्रत्याहार होउची प्रत्यक्ष गणतंत्रर पद्धति बा उपादान। एठी मध्य आमे दुईटी वाक्य उत्तरटी लेखिले। प्रत्यक्ष गणतंत्र कौन लेखिले आमे? जेउ शासन व्यवस्था रे बा गणतांत्रिक व्यवस्था रे नागरिक माने सीधा सड़क भावे शासन परिचालना ओ आईन प्रणयन क्षेत्र रे शामिल होइथांती ताकु प्रत्यक्ष गणतंत्र कहा जाए। आ तार जो तीनोटी उपादान ताकु मध्ये लेखिबा, गणभट गणोद्योग और प्रत्याहार होउची प्रत्यक्ष गणतंत्रर पद्धति बा उपादान। तीन नंबर प्रश्न, गणभट बा रेफरेंडम कौन? गणभट कौन? विधानमंडल बा व्यवस्थापिका द्वारा प्रणीत आईन को एटी भलर मन रखिबे। विधानमंडल बा व्यवस्थापिका द्वारा प्रणीत आईन को नागरिक मानक मतामत पय प्रेरण करा जेबरा करा जिवार व्यवस्था को गणभट कुआ जाय। एटा आग्रु जानिचंती, विधानमंडल बा व्यवस्थापिका द्वारा प्रणीत आईन को व्यवस्थापिका कौन? जोठी आईन तयारी हुए जो माने आमर प्रतिनिधि थांती। आमर जेंतिका ओडिसा रो विधानसभा रहिछि सेठी आमर विधायक माने सु थांती एवं सेठी समस्तक द्वारा आईन प्रणीत होइथाय। सेमिति गणभट होउछि कौन? विधानमंडल बा व्यवस्थापिका द्वारा प्रणीत आईन को नागरिक मानक मतामत पय प्रेरण करा जिवार व्यवस्था को नागरिक मानकर मतामत पय प्रेरण करा जाय। प्रत्यक्ष गणतंत्र रे नागरिक मानक मतामत पय प्रेरण करा जिवार व्यवस्था को गणभट कहा जाय। एही व्यवस्था प्रत्यक्ष गणतंत्र रे एक उपादान बा अस्त्र। याकु प्रत्यक्ष गणतंत्र रे एक उपादान बा अस्त्र कहा जाय। जनसाधारण आईन को निजर मतामत देथांती बा जनसाधारण द्वारा ता पास हेथाय, तापर सेटा आईन रे परिणत होइथाय। एहा प्रत्यक्ष गणतंत्र रे एक उपादान बा मुख्य अस्त्र कहा जाय। ओके, चारि नंबर प्रश्न, गणोद्योग बा इनिशिएटिव कौन? गणोद्योग कौन? जेतेबेले निर्दिष्ट संख्यक नागरिक कौनसी विषय उपरे आईन प्रणयन करिबाकु निज तरफरु प्रस्ताव देइथांती ताकु गणोद्योग कहा जाय। जेतेबेले निर्दिष्ट संख्यक नागरिक
କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ନିଜ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ନାଗରିକ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରି ନିଜ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ କାହାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥାଏ ବିଧାନମଣ୍ଡଳକୁ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାକୁ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ନାଗରିକ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ନିଜ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ହେଉଛି ଏକ ଉପାଦାନ ବା ଅସ୍ତ୍ର, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏହା ଏକ ଉପାଦାନ ବା ଅସ୍ତ୍ର କେଉଁଟି, ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ। ଗଣୋଦ୍ୟୋଗ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଉପାଦାନ ବା ଅସ୍ତ୍ର। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯଦି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏହା ଏକ ଉପାଦାନ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଉପାଦାନ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯଦି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣ ମତଦାନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥାଏ କ'ଣ ପାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନ କରନ୍ତି ବା ଜାଣିଶୁଣି ଅବହେଳା କରନ୍ତି ବା ଠିକ୍ ଭାବେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନ ପାରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜନସାଧାରଣ ମତଦାନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଉପାଦାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଏଠାରେ ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ, ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ, ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ପ୍ରିୟ ଭାବନ୍ତି ବା ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହମତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ। ଏଠାରେ ଶାସକ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ଶାସକ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ଆଉ ଏଠାରେ ଶାସନ ଜନମତ ଆଇନର ଶାସନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଶାସନ ଜନମତ ଓ ଆଇନର ଶାସନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଜନମତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆଇନର ଶାସନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଆଇନ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏଇଟି ଦୁଇଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଏଠାରେ କରେ ହେଲା ଏଠାରେ ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବମତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ, ଖରେ ଏଠାରେ ଶାସକ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ ଦୁଇଟି ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତିନିରେ ଗ ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଏଠାରେ ଶାସନ ଜନମତ ଓ ଆଇନର ଶାସନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଓକେ, ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଗୁଣମାନ କ'ଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଗୁଣମାନ କ'ଣ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ, ଏହା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁଗୁଣ। ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ଦୁଇରେ, ଏହା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ, ଲୋକମାନେ ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା, ଏହା କ'ଣ,
या नागरिक मान राजनैतिक सुरक्षा प्रदान करिया सहित से मानकर अधिकार को सुरक्षा करता है। यहाँ गणतंत्र सुगुण ताले गणतंत्र कौन करे राजनैतिक शिक्षा प्रदान करी थाए आउ लोक मानकर नागरिक मानकर अधिकार को सुरक्षा करी थाए। आठ नंबर प्रश्न गणतंत्र दुर्गुण मान कौन गणतंत्र दुर्गुण मान कौन गणतंत्र दुर्गुण गुड़िक है कौन करे एठारे गुण अपेक्षा संख्या को अधिक प्राधान्य दिया जाए था एठारे गुण अपेक्षा संख्या को अधिक प्राधान्य दिया जाए था अर्थात जनकर क्वालिटी नथिले मध्य सी जदि भोट पाइला ताले सी शासन व्यवस्था रे प्रतिनिधि रूपे निर्वाचित होता है। आउ एहा को व्यय बहुल शासन व्यवस्था व्यय बहुल प्रति पांच वर्ष थे इलेक्शन बा निर्वाचन हम से अनेक पैसा खर्च होता है तेणु व्यय बहुल शासन अनेक पैसा खर्च होता है एगुड़ी कला दुर्गुण। नौ नंबर प्रश्न आंचलिकतावाद कौन आंचलिकतावाद कौन समग्र देश परिवर्ते कौन से निर्दिष्ट अंचल पर स्थानीय लोक मानकर अहेतुक प्रेम व श्रद्धा को आंचलिकतावाद कह जाए आंचलिकतावाद कौन तेल देखा समग्र देश परिवर्ते यह लाइन टी पूरा मन रखिए समग्र देश परिवर्ते कौन सी निर्दिष्ट अंचल पर स्थानीय लोक मानकर अहेतुक प्रेम व श्रद्धा को आंचलिकतावाद कह जाए एक निर्दिष्ट अंचल पर स्थानीय लोक मानकर अहेतुक प्रेम अहेतुक माने आवश्यकता ठार अधिक प्रेम व श्रद्धा को आंचलिकतावाद कह जाए आंचलिकतावाद जातीय संहति और राष्ट्र गठन रे प्रतिबंधक रूपे कार्य करता है। यह जातीय संहति और राष्ट्र गठन रे प्रतिबंधक रूपे कार्य करता है। यह गणतंत्र सफलता प्रति एक आह्वान अटे ताला आंचलिकतावाद होची गणतंत्र प्रति एक आह्वान गणतंत्र सफलता प्रति एक आह्वान। ओके दस नंबर प्रश्न लिंगगत वैषम्य कौन लिंगगत वैषम्य कौन पुरुष और महिला मानक मध्यरे थिबा जैविक पार्थक्य को लिंगगत वैषम्य कह जाए पुरुष और महिला मानक मध्यरे थिबा जैविक पार्थक्य को लिंगगत वैषम्य कह जाए पुरुष प्रधान समाज रे लिंगगत वैषम्य जगो नारी निर्यातना बुद्धि पाई थे पुरुष प्रधान जो देश रे पुरुष प्रधान माने पुरुष माने प्रत्येक कार्य रे अधिकार तांकर रहिछि से माने केवल प्रत्येक कथा बुझिबे ताले याकु पुरुष प्रधान समाज कहछि पुरुष प्रधान समाज रे लिंगगत वैषम्य जगु नारी निर्यातना बुद्धि पाई थे पुरुष सहित नारी मानंकु समान अधिकार प्रदान करा जाय नथाय जिते सब पुरुष प्रधान देश रही सेठारे पुरुष सहित नारी मानक समान अधिकार प्रदान करा जाए नथाय ताले एको कहछि लिंगगत वैषम्य गोटे वैषम्य रहुछि वैषम्य माने जोटे समानता नथाय जोटी ताको वैषम्य कहउछि पुरुष नारी शारीरिक दृष्टि रु जो तांकर पार्थक्य रहुछि लिंगगत पार्थक्य रहुछि सेथिरे से माने हीनतार शिकार होती निर्यातना बढ़ुची ये निर्यातना जो कौन लिंगगत वैषम्य जो ये निर्यातना बढ़ुची आउ पुरुष सहित नारी मानक समान अधिकार प्रदान करा जाए नथे पुरुष प्रदान या कहे लिंगगत वैषम्य गोटे राष्ट्र लिंगगत वैषम्य जिते ह्रास पाइब से राष्ट्र से उन्नति हासिल कर। एगार नंबर प्रश्न ल्यांस जेमिंडे कौन ल्यांस जेमिंडे कौन ल्यांस जेमिंडेर अर्थ होची मुक्त जनसभा ल्यांस जेमिंडेर अर्थ होची मुक्त जनसभा जेउठारे नागरिक माने एकत्र होई राष्ट्र शासन पई आईन प्रणयन पई नीति निर्धारण करिथांती ल्यांस जेमिंडे अर्थ होची कौन मुक्त जनसभा जेउठारे नागरिक माने एकत्र होई राष्ट्र शासन पई आईन प्रणयन पाई नीति निर्धारण करिथांति प्रत्यक्ष गणतंत्र सठिक कार्यकारिता यहाद्वारा संभव होता है। तो कौन हो ल्यांस जेमिंडे अर्थ हो मुक्त जनसभा जेउठारे नागरिक माने एकत्र होई राष्ट्र शासन पाई आईन प्रणयन पाई नीति निर्धारण करिथांति प्रत्यक्ष गणतंत्र सठिक कार्यकारिता यहाद्वारा संभव होता है।
ना कौन हो राष्ट्र मैंने एकत्र राष्ट्र गठन पर आईन प्रणयन कर मुक्त जनसभा प्रत्यक्ष गणतंत्र सठिक कार्यकारिता यहाँ संभव होता है। ओके आज क्लास को आम ये शेष करवा भिडी केमती लगेगा कमेंट्स मध्यम जनइबे जदि भल लगे लाइक टे करेंगे सांगसाथी सहित सेयार करेंगे आईपर भिडियो जो देखा पसंद कर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपण केवेले निराश हेबे नै एई चैनल आपण निहाति किछि गोटे हासिल करिवे भलो रिजल्ट टे करिवे आउ चैनल को सब्सक्राइब सहित बेल आइकन को क्लिक करिवे ताले परवर्ती वीडियो नोटिफिकेशन आपण को पाखु सबटा आगे पंजो। धन्यवाद जोटी थांतु भलो रहंतु सुखरे थांतु थैंक्स फॉर वाचिंग।